हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एज यू नो दैट गाइडेंस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चंबा की बात की थी और उसका मैप समझा, उसका ऑफिशियल वेबसाइट को हमने विजिट किया। आज हम बात करेंगे कांगड़ा की, यानी कि कांगड़ा का भ्रमण जो है आज हम करेंगे। और इसमें भी हम कांगड़ा का जो मैप है उससे जुड़े जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स हैं या फिर प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस की हम बात करेंगे और इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फिर हम बाद में विजिट करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप की बात कर लेते हैं। कांगड़ा का ये जो मैप है फ्रेंड्स, इसको देखिए ध्यान से जरा, दैट दिस इज द मैप ऑफ द कांगड़ा। अब यहाँ पे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास, यू कैन से, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए दैट अगर हम बात करें, दिस इज, यू कैन से, द मैप ऑफ कांगड़ा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो मेन टाउन कांगड़ा, यानी कि अगर आप मैप में यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो यू विल सी ये है कांगड़ा का मेन टाउन, ठीक है। और इसी के आसपास जो है, इसी को रेफरेंस लेते हुए फिर हम लोगों ने और भी एरियाज की जो है यहाँ पे बात करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम वेस्ट की तरफ से जो है मूवमेंट लेंगे। हालांकि चलिए अगर हम प्लेसेस पे बाद में आते हैं, पहले हम कुछ एक पासिस की बात करते हैं, बाउंड्री की बात कर लेते हैं। तो कांगड़ा जो है, एज यू नो दैट, पंजाब के साथ जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है, राइट। उसके साथ साथ आप देखिए दैट ऊना डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है इसका बाउंड्री आप लोगों को मिलता है, देन हमीरपुर के साथ जो है इसका बाउंड्री है, मंडी डिस्ट्रिक्ट हो गया इसके साथ भी बाउंड्री लगता है, कुल्लू जो है डिस्ट्रिक्ट इसके साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और देन लाहौल स्पीति और चंबा। अगर देखेंगे नॉर्थ के अंदर जो है आपको चंबा वाले रीजन जो है वो देखने को मिलते हैं जनरली। तो ये जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, और पंजाब के साथ जो है ये बाउंड्री हमारे यहाँ पे शेयर होती है, राइट। उसके बाद अब इन बाउंड्रीज के साथ साथ क्या है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पासिस हैं, इन पासिस को भी एक बार जो है आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम मूवमेंट ले लेंगे प्लेसेस की तरफ। जैसे कुल्लू की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो कुल्लू के साथ कोई खास यहाँ पे कैन से पासिस तो नहीं, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट पासिस अगेन है, जैसे तेंतु का पास, ठीक है, और मनाली पास। ये तीन पास जो है, दो पास जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, देखो मैं आपको बता देता हूं दैट ये जो एरिया है ये एक्चुअली में है बीड बिलिया कैसे बड़ा बंगाल वाले रीजन, ठीक है। ये आपका मेन टाउन है, ये मेन कांगड़ा है और ये है बड़ा बंगाल वाले रीजन, राइट। इन बड़ा बंगाल वाले रीजन में अगर आप बात करेंगे तो यस, यू कैन सी कुल्लू के साथ जो है तेंतु का और मनाली पास जो है ये लाई करते हैं। और यहाँ पे एक पीक देखिए, पीक का नाम लिखा है इन्होंने हनुमान टिब्बा। आपने ध्यान रखना है हनुमान टिब्बा जो है ये धौलाधार की सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी है और कांगड़ा की भी सबसे ऊंची जो है चोटी आप लोगों को मिलती है, राइट। तो हनुमान टिब्बा जो है ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए दैट अगर आप लाहौल की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आसागलू जो है एक पास आपको मिल रहा है, तो आसागलू पास जो है आपने ध्यान में रखना है। देन चंबा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे देखो निखोरा हमने लास्ट लेक्चर में भी जनरली वैसे देखा था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, निखोरा पास हो गया, ठीक है। निखोरा के पास आप देखेंगे तो वारू पास है, देन उसके बाद हिंझोरा पास है, तलांग, इंद्रहार, घुसुतड़ी और मिनकियानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासिस जो हैं वो आपके देखने को मिलेंगे कांगड़ा और उसके साथ साथ चंबा के साथ, राइट। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। देन उसके अलावा अगर कांगड़ा के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पासिस मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो तामसर, तामसर पास, हालांकि तामसर के लिए किताबों में कहा गया है कि ये कांगड़ा को बड़ा बंगाल के साथ जोड़ता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। देन गैरू पास जो है, देखो ये बिलिंग है और ये बड़ा बंगाल, तो बिलिंग को बड़ा बंगाल से कनेक्ट करता है गैरू पास, गैरू का जोत भी इसको कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो ये पासिस जो है आपने जनरली देखने हैं और ध्यान में रखने हैं। कुछ एक लेक्स की बात करें तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वैसे यहाँ पे नेचुरल, एक आप देखिएगा डल लेक होगी मैक्लोडगंज के साथ, और दूसरी जो है यहाँ पे करेरी लेक जो है ये आपको मिलेगी फ्रेंड्स, है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल लेक में हमारे पास महाराणा प्रताप सागर है, जिसको यू कैन से पोंग डैम भी कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए, और रही बात रिवर्स की, तो आपको पता ही है दैट इन रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो ब्यास जो है वो एक्चुअली में मेन रिवर है इस डिस्ट्रिक्ट का, ब्यास रिवर। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है आपको जनरली देखने को मिलते हो, तो आप रिवर्स में देखते हैं, लेकिन ब्यास एक मेन ट्रिब्यूटरी है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। चलिए तो अब देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ जैसे है कांगड़ा में।
तो हम लोग वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो वेस्ट से हम फिर मूवमेंट लेंगे ईस्ट की तरफ, सो दैट आपको वेस्ट और ईस्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़ा सा माइंड में रहे। और अगर सवाल इस तरह से आपसे एग्जामिनर पूछे तो फिर आप लोग जो है यू गाइज विल एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। देखिए सबसे पहले, अच्छा प्लेसेस से जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यार, वो है आपका कांगड़ा वैली रेलवे, ठीक है जी। कांगड़ा वैली रेलवे इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अब ऑफिशियल जब विजिट करेंगे तो वहां पे मेंशन इसका जरूर आपको मिलेगा। तो ये है फ्रेंड्स पठानकोट, ठीक है। और पठानकोट के बाद आप देखेंगे तो ये है जोगिंद्रनगर जो कि मंडी में है, राइट। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट यू कैन से रेलवे स्टेशन हैं वो कौन कौन से हैं इस पे। तो सबसे पहले देखो आप पठानकोट से ये जा रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले आता है जसूर, ठीक है। जसूर इज द प्लेस जो आपको ये मिलेगा। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे देन वी विल मूव टू द ज्वाली, ज्वाली एक स्थान आएगा, ठीक है। ये एक रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। देन ज्वाली से जो है ये रेलवे ट्रैक जो है फ्रेंड्स ये चलता है नगरोटा सूर्या की तरफ, यानी कि महाराणा सागर प्रताप के साथ साथ एक यू कैन से ब्यूटीफुल सा व्यू बनाता हुआ जो है ये आगे मूव करता है। और उसके बाद आपका रेलवे स्टेशन आता है रानीताल, ठीक है। रानीताल ये जो स्टेशन है ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज यहीं से जो है आप लोग हमीरपुर की तरफ जो है मूव करते हैं और आप कांगड़ा की तरफ भी चले जाते हैं। रानीताल के बाद ये रेलवे ट्रैक जो है ये जाता है मेन टाउन कांगड़ा की तरफ, राइट। 164 किलोमीटर है ये पूरा का पूरा, ठीक है। दो टनल्स हैं इसमें वो हम बात करेंगे। तो कांगड़ा, कांगड़ा के बाद ये मूवमेंट आ जाती है आपकी नगरोटा, नगरोटा इज द एरिया फ्रेंड्स, ये नगरोटा सूर्या है, ये नगरोटा है। तो नगरोटा जो है ये आपने ध्यान में रखना है, राइट। नगरोटा के बाद ये रेलवे ट्रैक जो है ये क्रॉस करता है और जो मेन स्टेशन है आगे वो आता है बैजनाथ। बैजनाथ जो है ये मेन स्टेशन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये मिलता है, ठीक है। ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसी के साथ आप देखेंगे तो पालमपुर वाले रीजन जो है ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, राइट। तो बैजनाथ हो गया, पालमपुर भी स्टेशन है भी। देन बैजनाथ के बाद जो है आप देखिए तो सीधा जो मेन आपको स्टेशन है वो है जोगिंद्रनगर। तो ये है एक्चुअली में पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे जो कांगड़ा से कुछ इस तरह से मूव करता है। तो इस ट्रैक को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, राइट। अब आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान जो है ये हम लोगों को कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। तो वेस्ट से बात करेंगे, वेस्ट में सबसे पहला प्लेस जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा दैट You will see the इंदौरा, ठीक है। ये एक स्थान है यहाँ पे, इसको कहा जा रहा है इंदौरा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है इंदौरा। इंदौरा की क्या खास बात है उसकी चर्चा जो है मैं आपको बता देता हूँ। इंदौरा के पास ना एक यू कैन से एक टेम्पल है, इंदौरा के से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आप देखेंगे तो यहीं पे आप लोगों को एक मंदिर देखने को मिलेगा, काटगढ़ का मंदिर, ठीक है। काटगढ़ का मंदिर जो है शिव का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से, इसके बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है। किताबों में भी अक्सर आप पढ़ेंगे और इवन कि हम विजिट करेंगे वेबसाइट में वहां भी मिलेगा। इंदौरा के साथ साथ ही आप देखेंगे तो देर इज अ प्लेस नोन एज द राजा का तालाब, ये इंपॉर्टेंट स्थान है। इसी के साथ जो है राजा का बाग भी आपको मिलेगा, राजा बाशु हुए थे नूरपुर के, उन्होंने बनवाया था। देखिए दिस इज द नूरपुर रियासत, ये सारा रीजन पठानकोट हो गया, ये हो गया, ये सारा नूरपुर रियासत के अंतर्गत जो थे एरिया आया करते थे, राइट। तो नूरपुर के राजा हुए थे जिनका नाम था बाशु, जिन्होंने ट्रांसफर किया था कैपिटल को पठानकोट से नूरपुर, नूरपुर जिसका पुराना नाम धमेरी था। तो ये आपके राजा का तालाब जो है ये नाम याद रखना, ठीक है। उसके ऊपर आप जसूर देखिए, देन यहाँ पे मेन टाउन जो है ये नूरपुर है, नूरपुर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद वेस्ट की तरफ जो है हम लोग मूवमेंट ले लेते हैं हल्का सा। जब हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए ज्वाली है, ज्वाली के साथ साथ आप देखेंगे तो प्लेस है कोटला। तो कोटला का किला भी आप इतिहास में बहुत बार सुनते होंगे, राइट। जब यू कैन से अकबर के टाइम पे जब इन्वेजन्स जब हुए थे, है ना, रामचंद ऑफ गुलेर हुए थे, उनको भेजा गया था जयसिंह को पकड़ने के लिए, तो कोटला का फोर्ट जो था वो कांगड़ा के अंतर्गत हुआ करता, तो ये कोटला है, ठीक है। कोटला के बाद अगर आप देखेंगे तो ये है शाहपुर वाले रीजन, शाहपुर ये वाले एरियाज हैं। शाहपुर के साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ जैसे आपको मिलता है रिहलू, और रिहलू जो एरिया है ये अक्सर आप सुनेंगे इतिहास में। रिहलू इज द इम्पॉर्टेंट प्लेस बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज कि जो बीरबल थे उनका जन्म जो था वो रिहलू में ही हुआ था, राइट। तो रिहलू आज भी फेमस है अपनी बासमती राइस के लिए। तो ज्वाली हो गया, राइट। उसके बाद देखेंगे तो नगरोटा सूर्या हमने देखा, बिल्कुल देखा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्लेस लिखा है लंज, जिसे कहते हैं लंज, राइट।
इस यहाँ पे लंच के साथ ही आप लोगों को एक टेम्पल देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मसरूर रॉक का टेम्पल, यहाँ पे है। यानी कि है ना, इस स्पॉट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग मिलेगा यहाँ पे मसरूर रॉक का टेम्पल जो है आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो रानीताल हमने देखा, देन मेन टाउन कांगड़ा जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है। रानीताल हो गया, मेन टाउन कांगड़ा हो गया। कांगड़ा के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे स्थान है गग्गल, और गग्गल में आप लोगों को एयरपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी तक हिमाचल प्रदेश का यही है, ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यस यू विल सी दिस इज द धर्मशाला, ये आपको धर्मशाला मिलेगा भाई 1387 मीटर की हाइट पे। देन यहाँ पे धर्मशाला के साथ ही यू विल सी द मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज से जब आप ट्रैक जाएंगे फ्रेंड्स तो ट्रैकिंग के दौरान आपको प्लेस मिलेगा विच इज नोन एज द त्रिउंड, त्रिउंड इज द इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक है। ये एक ट्रैकिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ट्रैक करते हैं लोग यहाँ पे। और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो यहाँ से करेरी लेक की तरफ जो है वो ट्रैक यहाँ पे हो जाता है, तो उसके बाद आप आगे मूव करेंगे, राइट। उसके बाद देखिए और वेस्टवर्ड आते हैं तो देखो धर्मशाला के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यू विल सी द चामुंडा देवी मंदिर, ठीक है। चामुंडा के साथ ही आपको यहाँ पे नगरोटा एरिया जो है देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट स्थान है भाई। और उसके बाद अगर आप देखें नीचे, अगर इन रीजन्स में अगर आप जाएंगे तो फिलहाल इस तरह से मूवमेंट ले लेते हैं, फिर इस एरिया की बात करते हैं जो स्थान आपके हमीरपुर के साथ लगते हैं। देन आगे जब आप मूव करेंगे तो पालमपुर रीजन्स आ जाएंगे भाई हमारे यहाँ पे, दिस इज द पालमपुर है ना, अपने जो टी गार्डन्स हैं उनके लिए काफी फेमस हैं ये पालमपुर वाले रीजन्स। और उसके बाद आप देखिए आगे है यहाँ पे बैजनाथ, और बैजनाथ में आप लोगों को जो है शिव का प्राचीन मंदिर जो है वो मिलेगा। बैजनाथ के बाद आप देखो देर इज अ प्लेस नोन एज द बीड, और बीड के ठीक ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा विलिंग, विलिंग से जब गैरू जोत आप क्रॉस करेंगे तो यू विल रीच द बड़ा भंगाल वाले रीजन, तो बड़ा भंगाल वाले रीजन में जो है वो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहीं पे देखो बीड से जब आप लोग मूव करेंगे दैट आगे आपको बरोट वैली देखने को मिलेगी, जो कि आपको जोगिंदर नगर वाले रीजन्स में मिलती है भाई, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस पर्टिकुलर अपर साइड। अब थोड़ा सा नीचे वाली साइड जो है वो हम लोग यहाँ पे मूव कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लेस है विच इज द डाडा सिब्बा, ठीक है जी। तो डाडा जो दतारपुर सिब्बा जो है वो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, फिर ब्रिटिशर्स ने जो है इनको मर्ज कर दिया, डाडा सिब्बा जो है इसका नाम रखा गया, डाडा सिब्बा। दीज आर द प्लेसेस स्टूडेंट्स जहाँ पे यू कैन से बाबा कांशीराम जो है उनका जन्म, उनका गांव जो है ये डाडा सिब्बा ही है, ठीक है। फिर आगे आइएगा, दिस इज द देहरा, देहरा गोपीपुर वाले जो रीजन्स हैं भाई ये आपने ध्यान रखने हैं। देहरा के साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे नैन पोखर के साथ एक प्लेस है जिस विच इज नोन एज द परागपुर, ये परागपुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है भाई, बिकॉज यहाँ पे आपको कालेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। दूसरा मैं आपको बता दूं परागपुर की लोहड़ी जो है वो स्टेट फेस्टिवल है, आगे हम बात करेंगे। परागपुर द हेरिटेज टाउन है ये हमारे हिमाचल प्रदेश का, और कंट्री का पहला हेरिटेज टाउन भी है ये, राइट। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये चिंतपूर्णी आपका फिर ये उन्ना वाली साइड जो है ये हो जाएगी। देन उसके बाद आगे देखिएगा, दिस इज द प्लेस यू विल सी द ज्वालाजी, ये आपने देखा होगा ज्वालाजी, क्योंकि हमीरपुर का ये नदौन है और ये टीरा सुजानपुर है हमीरपुर का, ठीक है। टीरा सुजानपुर के साथ ही आप लोगों के जो एरियाज लगेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, ये है लंबा ग्राउंड और ये है जयसिंहपुर। लंबा ग्राउंड वाले जो रीजन है, जयसिंहपुर वाले जो रीजन है, जब मुगलों ने अटैक किया और कांगड़ा के किले को कैप्चर किया तो उसके बाद बीजापुर वाले रीजन जो थे, लंबा ग्राउंड भी जिसमें आता था, वो सारे फिर जागीर में दे दिए राजाओं को, कांगड़ा के राजाओं की, वहां से अपने अफेयर्स जो है वो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो लंबा ग्राउंड है, जयसिंहपुर है। देखो जयसिंहपुर के ठीक सामने आपको मिलेगा यहाँ पे मंडी में सिंधोर, यहीं से आपकी रिवर ब्यास जो है वो एग्जिट करती है और फिर एंट्री हो जाती है इसकी जाके कहाँ पे, कांगड़ा के अंदर, राइट। तो ये है लंबा ग्राउंड, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, जब लंबा ग्राउंड से जब आप लोग यहाँ पे मूव करेंगे फ्रेंड्स ऊपर की साइड, या फिर पालमपुर वाले जो रीजन्स हैं, इन पालमपुर वाले रीजन से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यू विल सी द अंदरेटा, अंदरेटा नामक स्थान जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है जी। तो अंदरेटा में आपको पता ही है दैट शोभा सिंह की आर्ट गैलरी जो है ये आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। आर गेटिंग द पॉइंट, बिल्कुल। तो ये चीजें जो है आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिन प्लेसेस के बारे में जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया जो है फ्रेंड्स यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है। तो बाउंड्री इंपॉर्टेंट पासिस ये हमने देख लिया, टाउन देख लिया, और पठानकोट वाला रेलवे जो है ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया, राइट।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और ये हमने देख लिया महाराणा प्रताप सागर। गेटिंग द पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका, कांगड़ा का, उसकी जो है हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज एक बार खुद भी आप गो थ्रू करिएगा इस मैप को, समझने की कोशिश करिएगा जैसे जैसे जो है चीजें आगे बढ़ती हैं, या फिर जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस से आप लोग फैमिलियर हो जाइएगा थोड़ा सा, सो दैट आप लोगों को जो है आइडिया जो है ये लग जाए कि कौन से प्लेसेस जो है वो कहाँ पे हैं। ठीक है, कुछ एक छोटे छोटे एरियाज भी हैं, उन एरियाज की चर्चा जो है वो आगे होगी जब हम बात करें। अच्छा, यहाँ भी देख लो, अंद्रेटा के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो देर इज अ प्लेस नोन एज द नागणी। ठीक है, नागणी, तो नागणी माता का मंदिर जो है ये आपको यहाँ पे मिलता है भी, नागणी माता का मंदिर जो है ये आपको जनरली इन रीजन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो पालमपुर, पालमपुर के साथ जब आप कांगड़ा की तरफ जाएंगे तो इसी के बीच में आपको पपरोला नामक स्थान जो है वो भी देखने को मिलेगा। पपरोला भी आपको इन रीजन्स में जो है वो मिलता है। चलिए अब हम थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को, और उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ जो है उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है कौन कौन सा है, और क्या क्या जो है आपके लिए जो है यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। राइट, चलिए फिर उसकी बात कर लेते हैं दैट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट जो है ये आप लोगों को यहां पे मिलेगा। ऑलराइट, सो ये है ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, इसको देख लेते हैं भाई। इस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अबाउट देख लेते हैं। तो अबाउट में अगर आप देखेंगे तो यस, डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, इसके अच्छे हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा जब आप व्यू मोर में जाएंगे, और इसका एल्टीट्यूड लैटीट्यूड देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो यस, इसका जो यू कैन से एरिया है फ्रेंड्स, ये 5739 स्क्वेयर किलोमीटर का है। लैंग्वेज हिंदी और पहाड़ी है। 3906 गाँव है यहाँ पे, और पॉपुलेशन की अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा ये पॉपुलेशन के मामले में है, 15 लाख के करीब जो है लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर आप डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो हेमराज वैरवा जो है आईएएस, ये यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे जो है यू कैन से यहाँ पे 2 जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलेंगे, 6 जो है यहाँ पे टाउन है, 22 पुलिस स्टेशन है, 16 ब्लॉक है, और 14 सब डिविजन है भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। आप क्लिक करके जो है यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, थोड़ा देख भी सकते हैं दैट कौन कौन से जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है यू कैन से सब डिवीजन देखने को मिलेंगे। तो यस, 13-14 जो सब डिवीजन है आपके, इनके नाम जो है आप लोगों को, जैसे कांगड़ा हो गया, धर्मशाला, नूरपुर, देहरा, जयसिंहपुर, पालमपुर, बैजनाथ, तो एक बार विजिट आप करेंगे तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। राइट, चलिए उसके बाद देखिए दैट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने जाननी है यहाँ से, तो अगेन वही देखो, सारी चीजें नहीं देखनी है हमने, हमने सिर्फ एक कॉलम देखना होता है इसमें, और वो है टूरिज्म वाला। टूरिज्म में सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखना है टूरिस्ट प्लेसेस को। देखते हैं कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं सबसे पहले हमें मिलेंगे, और क्या इन्फॉर्मेशन जो है उनसे जुड़ी हुई है जब भी आप बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, चलिए सी, तो द फर्स्ट वी हैव इज द मसरूर रॉकेट टेम्पल। आइए जान लेते हैं मसरूर को रॉकेट टेम्पल के बारे में, 2-3 इन्फॉर्मेशन जो आपने ध्यान में रखनी है। पहला, रॉकेट टेक्निक के साथ बने हुए हैं, बिल्कुल भाई, मसरूर एक एरिया है वहां पे मसरूर रॉकेट टेम्पल है, और देख सकते हैं आप लोग 8वीं शताब्दी के बीच में जो है इन टेम्पल्स को बनाया गया था। राइट, 8th सेंचुरी AD के दौरान जो है इसको बनाया गया था। रॉक कट हिंदू टेम्पल्स हैं ये कांगड़ा में। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन उसके साथ साथ यू विल सी द नगरा आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इसको डिपिक्ट करता है, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद मोनोलिथिक है, यानी कि एक ही रॉक से जो है इसको यू कैन से तराश के जो है वो बनाया गया है, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे देन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इस टेम्पल से जानी है वो है यहाँ पे हेनरी शटलवर्थ। हेनरी शटलवर्थ जो थे 1913 में, याद रखिएगा, द फर्स्ट रिपोर्ट जो था इन टेम्पल्स के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट की अटेंशन जब सबसे पहले गई तो उसमें एच.एल. शटलवर्थ थे, उनका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सबसे पहली डिस्कवरी जो थी, रिपोर्ट जो था इस मंदिर के बारे में, एच.एल. शटलवर्थ ने 1913 में किया था। उसके बाद 1915 में आपने ध्यान रखना है दैट देवर इंडिपेंडेंटली सर्वेड बाय द हरोल्ड हैग्रीव्स,
ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इस पर्सनैलिटी के द्वारा जो है इनको इंडिपेंडेंटली सर्वे किया गया है। देन उसके बाद मिशेल मिस्टर का यहाँ पे नाम आपने ध्यान में रखना है, दैट यू कैन से इन्होंने क्या कहा था कि जब मसरूर टेम्पल्स आर अ सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल माउंटेन स्टाइल हिंदू आर्किटेक्चर विच एम्बोडीज द अर्थ एंड माउंटेन्स अराउंड इट। तो ये किसने कहा था इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, मिशेल मिस्टर्स, और उसके साथ साथ यू कैन से हारोल्ड का नाम भी याद रखिएगा और हेनरी शटलवर्थ, इन तीनों पर्सनैलिटी का नाम जो है ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है जब इस यू कैन से टेम्पल की बात आएगी, ठीक है। इससे ज्यादा जानकारी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं वैसे, लेकिन जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हमने निकालने हैं उनकी बात जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, राइट। बीड बिलिंग की देख लेते हैं, दैट कौन कौन से यू कैन से इंफॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बीड बिलिंग में आप ये समझ लीजिए दैट द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जो है इसको रेफर किया जाता है, जनरली जाना जाता है। और यहाँ पे जरूरी चीज जो है वो है बिलिंग। बिलिंग जो है ये टेक ऑफ साइट है और बीड जो है ये लैंडिंग साइट है, इसको बीड बिलिंग जो है नाम कहते हैं, याद रखिएगा, राइट। तो ये देख लीजिएगा टेक ऑफ और लैंडिंग साइट के बारे में, नॉट दैट मोर इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है। उसके बाद त्रिउंड की बात कर लेते हैं। त्रिउंड में जो है स्टूडेंट्स, यस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट जो ये ट्रैक आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी, वैसे भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इट इज द क्राउनिंग ज्वेल ऑफ धर्मशाला जो है आप ध्यान में रखेंगे, धौलाधार रेंजेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से इंफॉर्मेशन है। परफेक्ट व्यू जो है धौलाधार माउंटेन्स का एक साइड में मिलता है और दूसरी साइड में आपको कांगड़ा वैली जो है वो देखने को मिलेगी। काफी पॉपुलर ट्रैक है फ्रेंड्स, ट्रैकिंग अक्सर यहाँ पे होती है, पूरे भारत से पूरी दुनिया से जो है लोग यहाँ पे यू कैन से ट्रैकिंग के लिए जो है यहाँ पे आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है दैट यू कैन से ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है नंबर ऑफ किलोमीटर्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें से द लास्ट 1 किलोमीटर जो होता है उसको पॉपुलरली बोलते हैं 22 कर्व्स, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा याद में रख लीजिएगा, आप लोग माइंड में रख लीजिएगा कि त्रिउंड में जब जाते हैं तो लास्ट 1 किलोमीटर जो है उसको एक्चुअली में 22 कर्व्स जो है वो नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने त्रिउंड से जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद त्रिउंड के बाद अगर आप देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है पालमपुर टी गार्डन्स, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है फ्रेंड्स, अगेन दीज आर वेरी वेरी फेमस, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, जब पालमपुर की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यस ये जो टी गार्डन्स हैं इनके लिए आप लोगों ने जो है थोड़ी सी चीजें जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो दैट नॉट मल्टी इंपॉर्टेंट, मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा वैसे। पालमपुर इज अ ग्रीन हिल स्टेशन एंड अ म्युनिसिपल काउंसिल इन द कांगड़ा वैली इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑब्वियसली सराउंडेड बाय द टी गार्डन्स, पाइन फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यस द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पालमपुर इज द टी कैपिटल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये आपने ध्यान रखना है। ये समटाइम मेंशन किया गया है इसको दैट पालमपुर जो है टी कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बट टी इज जस्ट वन एस्पेक्ट दैट मेक द पालमपुर अ स्पेशल नियर यू कैन से इंटरेस्ट प्लेस जो है, बाकी बहुत सारी चीजें जो है पालमपुर में आपको मिलेगी, बट यस दिस इंपॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपके यू कैन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है नहीं। मैक्लोडगंज की बात कर लेते हैं, तो मैक्लोडगंज की भी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हिल स्टेशन है ये, धर्मशाला के नजदीक हमें ये हिल स्टेशन मिलता है, ट्रैकर्स के लिए अगेन काफी इंपॉर्टेंट है ये, और उसके साथ साथ यू कैन से तिब्बतन के साथ साथ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें, जो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है। लिटिल ल्हासा भी इसको कहा जाता है और धाशा वर्ड जो है ये भी दिया जाता है, लिटिल धाशा यू कैन से, ये भी यहाँ पे इसके लिए शब्द जो है वो दिया जाता है। एलिवेशन जरूर याद रखिएगा, 2082 यानी कि 6831 फीट की हाइट पे जो है आपको मिलेगा। देन धौलाधार रेंजेस में है और यही धौलाधार रेंजेस में मैंने आपको बताया था हनुमान का टिब्बा जो है, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, राइट। तो ये चीजें जो है मैक्लोडगंज से जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक बार प्लीज आपने ओन में भी आप लोग विजिट करिएगा इन सभी ऑफिशियल साइट्स को, देखिएगा क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलती है, राइट। अदरवाइज 90-95% इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स वो मैं आपके सामने जो है यहीं पे ले आऊंगा। इसके अलावा जो है फिर तो आपने सिर्फ किताबें देखनी है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके आप नोट्स बना सकते हैं बनाने हो, अदरवाइज
इन वीडियोस को आप बार बार जब देखेंगे तो आपको फिर जरूरत इसका नहीं रहेगा, बिकॉज समटाइम जो है अगर आपसे यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा यू कैन से सरप्राइजिंग आपके लिए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से बहुत कम ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपको किताबों में मिलेगी, राइट। शिवालिक हिल्स में है, पोंग डैम की बात कर रहा है ये बात आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। 1975 में इसको बनाया गया था, महाराणा प्रताप जी के नाम पे जो है इस रेजरवायर का नाम जो है वो एक्चुअली में रखा गया था, ये आप याद रखिएगा। वेटलैंड साइट है, ऑब्वियसली रामसेर वेटलैंड साइट है ये हमारे यहाँ पे, ध्यान रखना है। पूरा टोटल एरिया जो है 24,529 हेक्टेयर यानी कि 60,610 एकड़ के बीच में ये फैला हुआ है, और जो झील की अगर हम बात करेंगे तो 15,662 हेक्टेयर का एरिया जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फिश रेजरवायर है हमारे इस रीजन का, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। व्यू मोर में जाएंगे तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, टूरिस्ट स्पॉट में अगर आप देखेंगे पोंग डैम के बाद वी हैव द कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दैट क्या कुछ जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, कांगड़ा फोर्ट जो है रॉयल राजपूत फैमिली जो है कांगड़ा स्टेट की उनके द्वारा जो था यानी कि कटोच वंश के द्वारा जो था इसको बनाया गया था, बिल्कुल जब त्रिगर्त किंगडम जो है यहाँ पे हुआ करता था। महाभारत में भी इसका मेंशन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। रिमेंबर दैट इट इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन द हिमालयस एंड प्रोबेबली द ओल्डेस्ट डेटेड फोर्ट इन द इंडिया। इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। हालांकि अकबर ने सीज किया था लेकिन 1620 में अगर आप देखेंगे तो यस जहांगीर जो है इन्होंने सबड्यूड किया था इसको सक्सेसफुली, ये चीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अगेन इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ये याद रखिएगा 1789 में संसार चंद टू हुए थे फ्रेंड्स, इनके कंट्रोल में जो था ये किला जो था वो एक्चुअली में आ गया था। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1806 के दौरान जो है यहाँ पे फिर अटैक हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह हुए थे, संसार चंद हुए थे, उन्होंने क्या किया था कंबाइंड फोर्सेज ने गोरखाओं के ऊपर जो था वो अटैक किया था। 1846 में सिखों के आने के बाद जो है ये ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया था फ्रेंड्स, और यस यू कैन से ब्रिटिशर्स के हाथों में ये रहा था 4 अप्रैल 1905 तक, जब अर्थक्वेक यहाँ पे आया था तो उसके बाद इसको हैवी डैमेज हुए थे और ब्रिटिशर्स ने तो इसको भी इवैक्यूएट कर दिया था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट सी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, पूरा का पूरा जो है इस चीज को आप पढ़िएगा, सो दैट यू कैन से देखिए इन्फॉर्मेशन ही आपका एनहांस होगा, आपकी जो नॉलेज है वही इनहांस होगी। चलिए, डल लेक, डल लेक के बारे में देखिएगा, अगेन द इम्पॉर्टेंट स्पॉट है, हम अभी हमने मैप पे देखा 1775 मीटर की हाइट पे आपको ये मिलेगा समुद्र तल से। देखो टोटा रानी, याद रखिएगा टोटा रानी जो है एक गांव है, वहां पे आप लोगों को जो है ये डल लेक जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्लेस का नाम जो है आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड अ सेज जो है जिनका नाम था ध्रुवासा ऋषि, आपने नाम सुना होगा, तो ध्रुवासा ऋषि जो है लॉर्ड शिवा की प्रार्थना जो थे यहाँ पे कर रहे थे, लॉर्ड शिवा के आई कैन से उनको प्रे जो थे यहाँ के उनके वर्शिपिंग जो थे एक तरह से वहां पे कर रहे थे, यानी कि इस एरिया में उन्होंने की थी, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे लॉर्ड शिव का भी एक मंदिर जो है आपको मिलेगा डल लेक। तो यस ध्रुवासा ऋषि वाला पॉइंट जो है ये प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसकी ब्यूटी की बात की है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज यू नो दैट। उसके बाद चलिए देखिए करेरी लेक की बात कर लेते हैं, तो करेरी लेक जो है अगेन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। द करेरी लेक इज द मोस्ट फेमस बींग ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन द धर्मशाला, यू कैन से धौलाधार रेंजेस की जब हम बात करते हैं, अगेन ध्यान रखना है धौलाधार रेंजेस में ही आपको ये मिलेगा। और समुद्र तल से हाइट याद रखिएगा 2,934 मीटर की हाइट पे जो है ये यू कैन से लोकेटेड है। द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो करेरी लेक है याद रखिएगा इसको कुमारवा लेक भी कहते हैं, याद रखना है आप लोगों ने, जैसे मंडी में आप लोगों ने कुमारवा लेक देखा होगा, कुमारवा यानी कि कामरूनाग, ठीक है जी, कामरूनाग जो है लेक उसको कुमारवा लेक कहते हैं। यहाँ पे करेरी लेक जो है इसको भी कुमारवा लेक के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान में प्लीज रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। धौलाधार रेंजेस में शिव और शक्ति दोनों का मंदिर जो है आपको यहाँ पे करेरी लेक में देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल और चार्मिंग ट्रैक है, कभी मौका मिलेगा लाइफ में तो जरूर करिएगा। चलिए टूरिस्ट प्लेसेस में जो है फ्रेंड्स अगेन, ऑलराइट, सो दीज वर द सम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब हम बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम जो है पोंग डैम जो है इसके अंतर्गत रखा गया है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस डिस्टेंस जो है नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, एडवेंचर टूरिज्म
और राइट, उसके बाद एडवेंचर टूरिज्म में देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और राइट, पैराग्लाइडिंग है, मैक्लोडगंज त्रिउंड वही रीजन आपके लिए देखने को मिलेंगे बार बार। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, ठीक है। इंद्रहार पास के बारे में जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है यहाँ पे, दैट इसकी हाइट जरूर ध्यान रखिएगा, 4342 मीटर की हाइट पे जो है ये प्लेस आपको मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एरिया पॉसिबिलिटी है, अगर एग्जामिनेशन में कभी सवाल अगर बना तो यहाँ पे राजमुंधा नामक स्थान जो है वो जरूर आपसे पूछा जाएगा। देखो दो वर्ड आपने ध्यान रखने हैं एग्जामिनेशन के लिए, देखो राजगुंधा और कुकरगुंधा। अगर आपसे ये पूछे दैट ये विलेजेस कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आपने प्लीज ध्यान रखिएगा कि कांगड़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्थान। तो कांगड़ा इज द प्लेस वेयर द राजगुंधा एंड कुकरगुंधा ट्विन प्लेसेज आर द लोकेटेड। ब्यूटीफुल प्लेस है, लोग ट्रैक करते हैं यहाँ पे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। 2400 मीटर की हाइट पे जो है आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यस, इट्स यू कैन से द राजगुंधा ऑफन रेफर टू एज द हार्ट ऑफ द वैली इन द नदर्न इंडिया, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन यस, राजगुंधा एंड कुकरगुंधा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ये दोनों जो एरियाज हैं, दोनों विलेजेज हैं, ये एक्चुअली में कांगड़ा में ही लोकेटेड है, कांगड़ा में ही लाई करते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन एरियाज के बारे में ध्यान में रखिएगा, राइट। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से एडवेंचर की जब हम बात करते हैं। एडवेंचर के बाद आइए देख लेते हैं दैट कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग रूट्स हैं। कुछ एक ट्रैकिंग रूट्स हैं, इनको आप गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। कांगड़ा पिलग्रिमेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यस कुछ एक मंदिर जो है मैं आपको बता देता हूँ, उन मंदिर के बारे में आपने ध्यान रखना है। जैसे ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी। तो ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है ये नगरोटा टाउन में, मेन टाउन कांगड़ा जो है वहीं पे आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और कांगड़ा जो किला है उसके नजदीक ही आप लोगों को जो है ये देखने को मिलता है, राइट। अगेन गॉडेस सती का जो सेक्रीफाइस हुआ था तो उसके साथ भी यहाँ पे यू कैन से रिलेटेड आप लोगों को ये देखने को मिलता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो कहते हैं कि जो लेफ्ट ब्रेस्ट थी सती की वो एक्चुअली में यहाँ पे गिरी थी, तो इसलिए ये शक्तिपीठ के तौर पे जो है इसको हम लोग यहाँ पे पूजते हैं, ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए द महमूद गजनी का मेंशन यहाँ पे हो रहा है, तो महमूद गजनी लूटेड दिस टेम्पल एटलीस्ट 5 टाइम जो है उन्होंने इसको लूटा है, ये कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 1905 में जब अर्थक्वेक आया था तो यहाँ पे काफी डिस्ट्रॉय जो था इसका हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुई थी, बाद में गवर्नमेंट ने जो है इसको रिवैम्प किया था, ये चीज ध्यान में रखना है। ओरिजिनल टेम्पल जो है ये पांडवों के द्वारा बनाया गया था, ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहते हैं गॉडेस दुर्गा के लिए मंदिर है, तो एक बार पांडवों ने जो था, पांडवों को सपना हुआ था, तो सपने में जब दुर्गा जी आई थी तो उन्होंने इनको कहा था कि टेम्पल जो है बनाना है, ओरिजिनल टेम्पल की बात कर रहे हैं, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसके बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट टेम्पल अगर आप देखेंगे तो यू विल सी द चामुंडा देवी। चामुंडा देवी जो मंदिर है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए उसकी बात कर लेते हैं, तो बनेड रिवर की बात कर रहे हैं, ऑन द बैंक ऑफ बनेड रिवर जो है आपको देखने को मिलेगा। 400 साल पुराना लगभग लगभग जो है ये मंदिर है, तो एक ब्राह्मण प्रीस्ट हुए थे उनको उन्होंने कहा था, उनके लिए कहा गया था कि ये मंदिर जो है यहाँ पे बनवाना है, ठीक है। तो ये मंदिर जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, तो प्रीस्ट के सपने में जो थी यू कैन से देवी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मंदिर बनवाओ एंड ऑल एंड ऑल, वो सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन चामुंडा ज्वालाजी मंदिर की बात करनी है फ्रेंड्स, तो यस अगेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, यू कैन से इंपॉर्टेंट मंदिर जो है ज्वालाजी का, ये आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा दैट मार्च और अप्रैल और सितंबर अक्टूबर हर साल जो है यहाँ पे फेस्टिवल होता है भाई, यानी कि साल में 2 बार जो है फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सवाल पूछा भी जा चुका है आप लोगों से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ज्वालाजी जो माता है उनके लिए डेडिकेट है, यानी कि कहते हैं सती की टंग जो थी वो एक्चुअली में यहाँ पे गिरी थी, तो इसलिए जो है इसको यहाँ पे यू कैन से ज्वाला के नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्लेमिंग माउथ यू कैन से, ठीक है, द गॉडेस ऑफ फ्लेम एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो ज्वालामुखी टाउन में आपको ये मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे देखिए, बगलामुखी जी का मंदिर है भाई, इस बगलामुखी के मंदिर को भी आप लोगों ने याद रखना है, पीताम्बरा माँ जो है इसको कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा, नॉर्थ भारत में, ठीक है, इसको पीताम्बरा मां जो है उसके नाम से भी जाना जाता है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बगलामुखी या फिर बगला जो है, ठीक है, वन ऑफ द 10 महाविद्या जो 10 ग्रेटेस्ट नॉलेज गॉडेसेस हैं उनमें से एक जो है वो बगलामुखी को भी माना गया है, ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रखनी है।
देखिए बगलामुखी का जो मंदिर है ये एक्चुअली में आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पे, विद इन द विलेज ऑफ बनखंडी, ये आपने याद रखना है ठीक है। बनखंडी जहाँ पे जू बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं ठीक है। चलिए तो बगलामुखी के बारे में आपको बता दूं, दैट येलो कलर जो है ये काफी फेमस है यहाँ पे ठीक है, माता जी का फेवरेट कलर माना जाता है। और दूसरा आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे यज्ञ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो यज्ञ होते हैं शत्रु नाशिनी यज्ञ जो है यहाँ पे बहुत फेमस जो है आप लोगों को देखने को मिलता है ठीक है जी। तो यस ये इस तरह के यज्ञ यहाँ पे करवाए जाते हैं, तो उनकी भी आप थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको ठीक है। चलिए उसके बाद बैजनाथ का मंदिर है फ्रेंड्स, तो बैजनाथ का मंदिर 1204 में बनाया गया था, दो मर्चेंट थे, नेम था अहुका और मनयुका, ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। रिमेंबर स्टैंड्स द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली मेडाइवल नॉर्थ टेम्पल आर्किटेक्चर नोन एज नगरा स्टाइल टेम्पल का एक अच्छा उदाहरण जो है ये मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे द बैजनाथ मंदिर राइट। चलिए उसके बाद मशरूर रॉकर टेम्पल को देख लेते हैं, मशरूर रॉकर टेम्पल जो है फ्रेंड्स यू कैन से हिमालयन पिरामिड भी इनको कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। 40 किलोमीटर है देखिए कांगड़ा से, जब आप कांगड़ा की बात करते हैं तो इसको ठाकुर द्वारा भी बोलते हैं भाई, ठाकुर द्वारा भी इसको कहा जाता है जो मेन श्राइन है। मैं आपको बता दूं दैट 15 मंदिर हैं ये रो में, याद रखिएगा दीज आर द टेम्पल, द 15 टेम्पल इन रो, जिसमें से जो मेन श्राइन है वो उसको बोलते हैं ठाकुर द्वारा, और ये 80 फीट की है, जो हाइट है उसकी 80 फीट की आपको मिलेगी राइट। और छठी से 8वीं शताब्दी के बीच में जो था इनको बनाया गया था, जनरली ये कहा जाता है। वैसे 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य हुए थे, उनके समय पे जो है इनको एक्चुअली में बनाया गया था, ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं राइट। चलिए तो जरूरी है आपके लिए थोड़ा सा ये सारी की सारी चीजें, मशरूर रॉक का टेम्पल थोड़ा सा हमने इसके बारे में देख लिया। भागशुनाग मंदिर अगेन इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैक्लोडगंज के पास देखिए 2 किलोमीटर जो है मैक्लोडगंज से दूर आपको देखने को मिलता है ठीक है जी। तो पहली गोरखा रेजिमेंट जो थी उन्होंने 1800 सेंचुरी में बनाया था ये मंदिर भी, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, उसके बाद जो है धर्मशाला के अंदर ठीक है। चलिए वाटरफॉल भी है यहाँ पे, भागसुनाग वाटरफॉल जो है उसको यहाँ पे एक्चुअली में कहा जाता है ठीक। चलो तो ये भी थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा प्लीज इस भागसुनाग से, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अगेन इज द कुनाल पाथरी, ये एक ऐसा मंदिर है फ्रेंड्स जिसके बारे में किताबों में बहुत कम जो है मेंशन किया होता है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। ये एक रॉक टेम्पल है याद रखिएगा गॉडेस दुर्गा के लिए, कुनाल पुर्थी मंदिर जो है धर्मशाला में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगेन यहाँ पे धौलाधार रेंजेस के ऊपर जो है ये मंदिर आप लोगों को देखने को मिलता है ठीक है। तो ये प्लीज आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुनाल पाथरी जो मंदिर है ये कहाँ है, ये भी कांगड़ा में ही हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद नागणी माता का मंदिर जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बताया नागणी वहां पे वर्ड लिखा था मैप पे, तो यस नूरपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये देखने को मिलता है नागणी माता का मंदिर यहाँ पे, देखिए दिस इज द इमेज ऑफ द नागणी माता राइट। तो इसको इसके बारे में भी आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा दैट क्या है क्या नहीं है। देखो द पीपल हु गेट द स्नेक वाइट कम टू द नागणी माता एंड सिंपली ड्रिंकिंग वाटर एंड अप्लाई द मिट्टी गेट क्योर्ड कंप्लीटली, यानी कि वैसे भी मैं आपको बता दूं दैट नागा कल्ट से रिलेटेड जो यू कैन से जैसे सिब्बू का थान जो है एक बहुत फेमस प्लेस है कांगड़ा के अंदर, यहाँ भी जो जैसे किसी को यू कैन से स्नेक बाइट कर लेता है या फिर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो इसकी क्योरिंग जो है यहाँ पे की जाती है, तो ऐसे कुछ नागणी माता में भी किया जाता है, बोलते हैं कि सिर्फ पानी पीने से और मिट्टी लगाने से ही जो है लोगों का यू कैन से क्योरिंग जो है यहाँ पे हो जाती है स्नेक बाइट की राइट। तो ये थोड़ी सी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। चलो उसके बाद देखिए टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो वी हैव कल्चर हेरिटेज, और कल्चर हेरिटेज में हमारे पास पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं राइट। तो लैंग्वेज में जनरली आपने एक वर्ड याद रखना है विच इज द कांगड़ी, कांगड़ी वर्ड जो है इंडो आर्यन डायलेक्ट है एक तरह से, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने याद रखना है इट इज द मिक्सचर ऑफ डोगरी एंड पंजाबी और टांकरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है लैंग्वेज से, और ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी नहीं है। कल्चर हेरिटेज में आफ्टर लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे ठीक है जी, तो चलिए लैंग्वेज के बाद अगर हम देखेंगे तो यस कांगड़ी धाम के बारे में समझ लीजिएगा ठीक
ठीक है, यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे कुछ रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, ओकेजन होते हैं, तो वहाँ पे कांगड़ी धाम जो है वो जनरली बनाई जाती है, बल्टोइयों में बनाई जाती है, यानी कि ब्रास के बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं। बोटी जो होता है, द वर्ड बोटी, वो एक्चुअली में डेडिकेट किया जाता है जो वहाँ पे उस धाम को बनाते हैं, जनरली ब्राह्मीण वो होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है, एज यू सी स्टूडेंट्स, देखिए दैट मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्या चीजें जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है वो ये है, यहाँ पे द बर्थ ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एट हरिपुर गुलेर अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द राजा गोवर्धन चंद। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो बर्थ है, यानी कि गुलेर में, तो गुलेर में राजा गोवर्धन से चंद हुए थे उनके टाइम पे आप लोगों को जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बिकॉज यू कैन से ही गेव द अजाइलम टू द रिफ्यूजी आर्टिस्ट ट्रेंड इन द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, तो उनको इन्होंने अजाइलम यहाँ पे दिया था, उसके बाद जो है यहाँ पे यू कैन सी इस तरह की चीजें, यानी कि इंट्रोडक्शन जो थी इसकी हो चुकी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आते हैं प्रकाश चंद। प्रकाश चंद जो है द सक्सेसर ऑफ द गोवर्धन चंद, ही ऑल्सो कॉन्टिन्यूड द पेट्रोनेज ऑफ द आर्टिस्ट। द पेंटिंग इन द अर्ली गुलेर स्टाइल वर बाय द आर्टिस्ट ऑफ द पंडित सेऊ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे हिंदी में कहते हैं कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो सेऊ वंश की देन है, तो ये पंडित सेऊ से ही स्टार्ट हुई है सारी चीजें। उसके बाद इसके दो बेटे थे, देखो नैनसुख मानक और उनके भाई थे यहाँ पे गुरुचरण थे, आप एक्चुअली में यहाँ पे गुरु से लिखा है, यहाँ पे इन्होंने गलत मिस्टेक इनसे हो गया था, लेकिन फिर भी नैनसुख और मानक आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब फिर मेंशन आता है राजा संसार चंद का। राजा संसार चंद जो थे फ्रेंड्स, यू कैन से इन्होंने भी काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट जो थे गुलेर के कोर्ट के, उनको अपने राज्य में लाया था यहाँ पे। ही वॉज द मोस्ट रिनाउंड राजा इन द कांगड़ा वैली एंड वॉज द मोस्ट यू कैन से जेनरस पैट्रन ऑफ द आर्ट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि इसी के टाइम पे आप देखेंगे अब क्या क्या था ये ध्यान में रखिएगा। जयदेव संस्कृत लव पोइंग, गीता गोविंद, बिहारी की सतसाई, भागवत पुराण, रोमांटिक टेल ऑफ नाला एंड दमयंती, ये कुछ क्या थे। उसके बाद देखो केशव दास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये क्या थी, ये थीम हुआ करते, दीज वर द थीम ऑफ द यू कैन से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यू कैन से संसार चंद, उसके टाइम पे पेंटिंग्स का ये थीम हुआ करता था, ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यस मणकू है, देन उसके कुशल लाल है, किशन लाल है, बशिया, देन पुरखो, फाटू, ये कुछ क्या है, दीज आर द यू कैन से आर्टिस्ट इन द संसार चंद के कोर्ट में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, ये भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, देखिए दिस इमेजिंग डेलिकेसी एंड फाइननेस ऑफ द लाइन वॉज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ द फाइन ब्रशेज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ स्क्वेयर, यानी कि जो गलहरी होती है उस गलहरी के बालों से ब्रश बने होते थे, उनके साथ जो है पेंटिंग की जाती थी। ये पॉइंट हैशटैग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीन मेन सेंटर्स जो है कांगड़ा पेंटिंग्स के, गुलेर, नूरपुर और टीरा सुजानपुर जो है, ये भी आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। येलो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो था ये ज्यादातर हम लोगों को यहाँ पे इनमें देखने को मिलेगा जब भी बात करेंगे इन पर्टिकुलर पेंटिंग्स की, याद रखिएगा। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ आप देखेंगे द मिनिएचर आर द स्टेप्ड इन द रिलीजियस फेथ, द डिपिक्टेड जैसे पौराणिक टेल्स, स्टोरीज फ्रॉम रामायण महाभारत हो गया, ये सारी की सारी, रसिक प्रिया, सतसाई हमने देखा, गीत गोविंद हम लोगों ने देखा, तो दीज वर द इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द थीम्स जिसके ऊपर जो था वो कांगड़ा पेंटिंग्स हुआ करती थी। नायिका ऑफ मिनिएचर इज राधा, इन राधा द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन, ठीक है जी, इनके ऊपर जो था यहाँ पे आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक, मेन सेंटर गुलेर, बसोली, चंबा, फिर एक्सपेंशन तो खैर इसका होता ही गया, ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान में रखनी है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट यस जो चीजें मैंने आपको बताई उन चीजों को तो प्लीज नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार गो थ्रू प्लीज इस कांगड़ा पेंटिंग वाले कॉलम से हो जाइएगा, आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए कांगड़ा पेंटिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो वी हैव फेयर एंड फेस्टिवल्स। आइए देखते हैं कांगड़ा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे बताए गए हैं। तो फेयर फेस्टिवल्स में जनरली आप देखिएगा तो सबसे पहले स्टेट लेवल फेयर्स की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं स्टेट लेवल फेयर। बैजनाथ का शिवरात्रि, पालमपुर का होली, कालेश्वर महादेव जो हमने देखा है प्रागपुर देहरा में वहां की बैसाखी, जयसिंहपुर का दशहरा, प्रागपुर की लोहड़ी, ठीक है, ये कुछ स्टेट फेस्टिवल हैं, स्टेट फेयर हैं।
और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फेयर भी आपको मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेयर हैं, जैसे शिवरात्रि है काठगढ़ इंदौरा की, बैसाखी है ज्वाली की, और उसके साथ साथ लोकल बहुत सारे फेस्टिवल आपको मिलेंगे, बट ये ध्यान रखना है स्टेट वाले, ठीक है। होली जो है काफी इंपॉर्टेंट है पालमपुर वाले रीजन्स में, एज वेल एज बैजनाथ जयसिंहपुर सब डिवीजन वाले रीजन्स में, यहाँ पे सेलिब्रेट जो है इसका किया जाता है। रेसलिंग्स भी होती हैं जिनको छिंज जर्नली कहा जाता है। फेस्टिवल की बात करें तो फेस्टिवल में आप देखिए मकर संक्रांति हो गया, ये नाम आपने जरूर ध्यान में रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मकर संक्रांति हो गया फ्रेंड्स, यू कैन सी, ठीक है। और यू कैन से यहाँ पे जो ब्रिजेश्वरी माता है, याद रखिएगा ब्रिजेश्वरी माता में 7 दिनों की पूजा जो है स्पेशल पूजा यहाँ पे की जाती है, और मेला जो है यहाँ पे होता है। शिवरात्रि और नलवाड़ी इज इंपॉर्टेंट यू कैन से, देन नवरात्रे होते हैं, चैत चैत जो जिसको ढोलरू भी कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद रखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। तो कांगड़ा जो है, इस कांगड़ा में अगर आप देखेंगे टू ड्राइव अवे ऑल दैट इज बैड, यानी कि एक तरह से प्रोस्पेरिटी, चैत जो है वो हिंदुइज्म का न्यू ईयर है, और उसी में चैत का जो महीना होता है उसका जो पहला दिन होता है उसको जनरली कंसीडर करते हैं कि प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस हमारे लिए लेके आए। उसके बाद बिशवा, बिशवा या फिर बैशाखी आप देखेंगे, स्प्रिंग फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये 13 अप्रैल को होता है, बाणगंगा में होली डिप लोग लेते हैं। हरियाली, द फर्स्ट डे ऑफ द सावन इज इंपॉर्टेंट, 16 जुलाई को होता है, रेन गॉड जो है उनके लिए ऑनर किया जाता है, याद रखना है आप लोगों ने। 10 days prior to this festival, seed of 5 to 7 different kind of grain are mixed together and sowed in the basket filled with the earth. It is either done by the head of the household or by the family priest. On the day of the Haryali, clay idol of Shiva and Parvati are married off because devotee believed that it is their union which causes fertility to the land. क्या करते हैं लोग हरियाली में? दैट एक पॉट लेंगे, उसमें 6 से 7 ग्रेन जो है वो उगाएंगे, जब वो हरी हो जाएंगी उनको दो डोर के ऊपर जो है वो लगाया जाता है, और मिट्टी के जो है वो बनाए जाते हैं यू कैन से शिव और पार्वती। सैर नवाला, सैर जो है ये फेस्टिवल ऑफ थैंक्स गिविंग होता है, सैर इज द डिपार्चर ऑफ द मानसून एक्चुअली, ये आपने ध्यान रखना है, सेप्टेम्बर में होगा, अभी रिसेंटली हुआ। बार्बर जो है गोज अराउंड विद द फ्रूट इन द बास्केट, जिसमें गलगल होते हैं जर्नली, उनको लेके वो जाते हैं वहां पे। और नवाला जो है ये गद्दियों का फेस्टिवल होता है, ये भी थैंक्स गिविंग है, बट ये गद्दी कम्युनिटीज में जो है वो जनरली सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, राइट। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल्स के बाद, हेरिटेज प्लेसेस है। हेरिटेज प्लेसेस में देखो सबसे पहले परागपुर की बात आती है यहाँ पे, तो ये आपने ध्यान रखना है दैट हेरिटेज विलेज जो है ये 9 दिसंबर 1957 को जो है 1997 यू कैन से उसको यहाँ पे डेडिकेट किया गया था एज अ हेरिटेज। पराग देवी जो प्रिंसेस हुआ करती थी जसवान वैली में, जसवान जो प्रिंसली स्टेट था उसमें पराग देवी प्रिंसेस हुआ करती थी, उनके नाम पे पड़ा है परागपुर भाई, ये बात यहाँ पे ध्यान में आप लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और बिल्डिंग आपको मिलेगी, जजकोट जो है एक रिजॉर्ट है ये, इसको भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा जो है लाला रिमाल हवेली जो है ये 1931 में बनी थी, यू कैन से परागपुर के राय जो थे उन्होंने बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। उसके बाद देखिए हरिपुर गुलेर जो है, हरिपुर जो है इसके बारे में एक पॉइंट आपने याद रखना है कि 1405 ईस्वी में अगर आप बात करेंगे तो राजा हरिचंद हुए थे, उन्होंने जो था इसका निर्माण करवाया था, हरिचंद वन जो थे उन्होंने इसका निर्माण जो था एक्चुअली में करवाया था, ठीक। रही बात कांगड़ा वैली रेलवे की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 164 किलोमीटर लंबा जो है जोगिंद्रनगर से यू कैन से पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक आपको मिलेगा। और दूसरी बात जो याद रखनी है वो है फिरोजपुर डिवीजन ऑफ द नदन रेलवे के अंतर्गत जो है ये रेलवे स्टेशन आता है, यानी कि ये जो कांगड़ा वैली रेलवे है इट कम अंडर द फिरोजपुर डिवीजन ऑफ द नदन रेलवे। देन उसके बाद अहुच स्टेशन जो है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है भाई इस पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक पे, याद रखिएगा अहुज स्टेशन जो 1290 मीटर की हाइट पे आपको लोगों को मिलेगा। इसको 1926 में प्लान किया, 1929 में इसको कमीशन कर दिया, 2 टनल्स जो हैं इसमें आप लोगों को जनरली देखने को मिलेगी, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपने ध्यान रखनी है। तारागढ़ पैलेस है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दैट तारागढ़ पैलेस जो है इसको 1931 में जो था विजिट किया गया था। अल हिलाल जो है इसका असली नाम था, यानी कि क्रेसेंट ऑफ द मून, लेकिन बाद में जब महारानी तारा देवी हुई थी राजा हरि सिंह की जो पत्नी थी, जब उन्होंने इसको एक्वायर किया था 1950 में, फिर इसका नाम तारागढ़ पैलेस जो था वो यहाँ पे कर दिया गया था। रिमेंबर द कांगड़ा फोर्ट कैन बी टर्म एज द क्राउन ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसी के साथ साथ
तारागढ़ जो है बिटवीन द पालमपुर एंड बैजनाथ कैन बी कॉल्ड एज द ज्वेल इन द क्राउन, ये वर्ड भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद नूरपुर फोर्ट की यहाँ पे बात होती है भाई, नूरपुर फोर्ट के बारे में भी आप लोग जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 1672 यहाँ पे गलत कर दिया है इन्होंने, दैट जहांगीर ने नाम दिया गया था इसके द्वारा, अगर दिया भी होगा तो 22 के दौरान जो था इन्होंने विजिट किया था उस दौरान जो है यहाँ पे दिया होगा, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत है। ब्रिज महाराज का मंदिर आपको मिलेगा नूरपुर के किले के अंदर, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1905 में अगेन अर्थक्वेक हुआ, उसमें काफी डेमोलिशन इसका हुआ था। बाकी इन्फॉर्मेशन किताबों में अक्सर मिलती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है वो यही है, बैजनाथ का मंदिर 1204, अहुका मनुका ये हम लोगों ने देख लिया, मसरूर के बारे में भी हमने देख लिया। काठगढ़ की बात कर लेते हैं, दिस प्लेस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था शिव का मंदिर है। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, सो दैट सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका इमेज बताता हूँ, ये है शिवलिंग यहाँ पे, ठीक है, पत्थर का शिवलिंग है, दो हिस्सों में है, ये पहली बात आपने याद रखनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, दैट यू कैन से इंदौरा सब डिवीजन में है ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा काठगढ़ महादेव, स्टूडेंट्स ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड वेयर शिवलिंग एग्जिस्ट इन सच अ फॉर्म विच आर डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट, याद रखिए, ठीक है, पहली बात इस मंदिर से ध्यान रखना है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल होता है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट फेयर है, यानी कि फेयर की अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट फेयर होता है शिवरात्रि का। उसके अलावा इससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में आपने याद रखना है कि जब सिकंदर जो है, याद रखिएगा, ठीक है, सिकंदर जब पंजाब आए थे 326 साल पहले, तो उसने क्या किया था, मिर्थल नामक स्थान तक जो थे वो लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। उस टाइम पे एक फकीर जो था यहाँ पे शिवलिंग जो था उसको पूजा कर रहा था, तो फकीर से उसने कहा, यू गो टू द ग्रीस विद मी, आई विल गिव यू ऑल द रिचीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फकीर ने उसको इग्नोर किया और कहा अलेक्जेंडर को, सर लेट्स गो अ लिटिल बैक एंड लेट द लाइट ऑफ द सन केम टू मी, यानी कि उसको अलेक्जेंडर को कहा कि थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ी हाउ यू कैन से लाइट मेरे ऊपर जो है वो आने दीजिए, ठीक। उसे काफी इंप्रेस हुए, यू कैन से अलेक्जेंडर जो थे काफी इन्फ्लुएंस हुए, और उसके लिए इन्होंने बोला कि क्या करो, ये जो मंदिर है इसको यू कैन से लेवल अप, यू कैन से ग्राउंड से ऊपर जो है इसके ऊपर बनाना चाहिए, ताकि लाइट जो है वो हमेशा इसके ऊपर जो है वो पड़ी रहे, और उसके साथ साथ एक यू कैन से बाउंड्री वॉल जो है उसकी बनाई जाए, आज भी एग्जिस्ट करती है। फिर महाराजा रणजीत सिंह हुए थे, इन्होंने जब गद्दी पे ये बैठे थे तो उसके बाद जो है यू कैन से काठगढ़ वाले रीजन में वो गए और उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो काठगढ़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे रिमेनिंग रही है, बिल्कुल नथिंग मोर इज लेफ्ट। तो ये है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका ये मैप, इस मैप को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमने अभी यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट उसका देखा उसको भी एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, सो दैट यू विल गेट अ मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, और एग्जामिनेशन में भी समटाइम यहाँ के चीजें सीधी सीधी चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेक्चर, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।